कोई बात नहीं तो इसके तेरह हजार तो बीना गुप्ता जी को हम सभी की ओर से बधाई और जहाँ भी हो हमारी बधाई उन तक पहुँच जाए। एक बार तालियां। रीता गुप्ता जी की तो है ही, लेकिन वनिका की भी बेस्ट सेलर किताब है ये। अच्छा, अमेज़न से सुभाष यू किताब भी नहीं पहुंची, सुभाष और अमेज़न से उनके ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। Very इतनी बेस्ट सेलर है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनके पाठक भी बहुत प्यार करते हैं उनसे, यही कहेंगे, क्योंकि बेस्ट सेलर तभी होती है कोई किताब जो पाठक बहुत चाहते होते हैं। ये भी दिल्ली प्रेस से भी जुड़ी हुई है और फेसबुक पे तो हम सभी के साथ ही करीब करीब जुड़ी हुई हैं, आप सबके साथ ही जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। केवल कहानी ही नहीं, लघु कथाएँ भी बहुत अच्छी लिखती हैं। और फिलहाल यहाँ आज उपस्थित नहीं हो सकी हैं हमारे बीच में, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है अभी एक हफ्ते बाद, तो इसलिए वो नहीं आई हैं यहाँ पर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं उनको कि वो इसी तरह लेखन उनका जो है वो चलता रहे और खूब उनकी पुस्तकें छपें। वैसे तो ये उनकी पहली ही किताब है, कहानी संग्रह जो है पहला ही है उनका, इश्क के रंग हजार। इसी तरह हजारों रंग उनकी कहानियों में जल गए और वो इसी तरह आगे लिखती रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। नीलिमा जी भी इनके बारे में थोड़ा सा नीता गुप्ता जी को मैं उस समय से जानती हूँ जब मैंने मुट्ठी भर अक्षर में उनको लिया था, उस समय लघु कथाएं लिखती थी वो, धीरे धीरे उनको देखा मैंने, अब वो कहानियाँ लिखती हैं, उनका कहानी संग्रह बहुत बहुत शुभकामनाएं रीता जी आपको आपके कथा संग्रह के लिए। मैंने अभी पढ़ा नहीं है पर आपकी बार लेके जाऊँगी। रीता जी से फेसबुक पर जुड़ी हुई हूँ, कभी मिलना नहीं हुआ लेकिन उन्हें लगातार पढ़ते रहते हैं, मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें और उनके खूब किताबें।